हेलो फ्रेंड्स, तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल माँ शारदा सर्विस सेंटर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल देखे होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करूँगा, तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो ब्रेक शू पे है। आपका गाड़ी में लगभग 2 महीना 3 महीना या 5 महीना के बाद ब्रेक शू जरूर चेंज कराते होंगे। फ्रेंड्स बहुत को ऐसा होते होंगे कि साल डेढ़ साल बाद चेंज कराते हो, लेकिन फ्रेंड्स वो जिस ब्रेक शू को एक बार जानते हैं कि कौन सा ज़्यादा चलता है कौन सा कम चलता है, तो वही ब्रेक शू आप लगातार चेंज कराते हैं वही कंपनी का। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप शुरू में बाइक चलाए उसके बाद आप ब्रेक शू चेंज कराना चाहते हैं तो कौन सा ब्रेक शू बेस्ट रहेगा, तो आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स मेरे पास है 3 ब्रेक शू, एरो एक हो गया, एगो आस्के हो गया जो पीला डब्बा का आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको इस डब्बा को देखने को मिलता होगा। उसके बाद फ्रेंड्स एक है मेरे पास हीरो का, तो इन तीनों में मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सा ब्रेक शू ज़्यादा बेस्ट रहता है। और ये जो 3 कंपनी फ्रेंड्स वो हर शॉप में आपको देखने को मिलता होगा, हर कहीं देखने को मिलता है। अगर आप शोरूम में लगाते होंगे तो हीरो का मिलता होगा, होंडा का मिलता होगा, और ऐसे लोकल लगाते होंगे तो एरो का मिलता होगा, आस्के का मिलता होगा, CNB का मिलता होगा। तो फ्रेंड्स ये सभी ब्रांड है, अगर कहा जाए तो ये सब आपको लोकल कंपनी नहीं है, ये अच्छी कंपनी है, लेकिन कौन सा बेस्ट ब्रेक शू है आज उसी के बारे में बात करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्टिंग करते वीडियो करते स्टार्ट। मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हैं माँ शारदा सर्विस। यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स एक एरो का ब्रेक शू है, ये एक पीला डब्बा आस्के का है, और ये देख सकते हो फ्रेंड्स जो कि ब्रांड है हीरो का है। तो फ्रेंड्स इसमें से आपको कौन सा बेस्ट है आज इसी के बारे में मैं बात करूंगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ और है कि ये तीनों ब्रेक शू में आपको सबसे कम रेंज और सबसे अच्छी क्वालिटी का ब्रेक शू कौन है उसके बारे में मैं बात करूंगा। एक और आता है फ्रेंड्स CNB कंपनी का, उसका मैं वीडियो बाद में आपको दूंगा, लेकिन फ़िलहाल इन तीनों में मैं कंपेयर करता हूँ फिलहाल। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं अगर एरो की बात किया जाए तो यहाँ एरो भी एक अच्छी कंपनी है जो कि इंडिया का है, तीनों इंडिया का है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं अगर इसकी MRP की बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 190 रुपये की MRP आपको देखने को मिलती है। और इसका मैन्युफैक्चरर डेट देख सकते हैं फ्रेंड्स जो 2020 का है, मतलब हाल ही फिलहाल का आपको देखने को सब मिलेगा ब्रेक शू। और इस ब्रेक शू का मैं ढक्कन को भी ओपन करके भी आपको कंपेयर करूंगा कि हाँ ब्रेक शू कौन सा तगड़ा है। उसके बाद फ्रेंड्स ऐसा डिब्बा में कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आस्के का आपको देख सकते हैं, और ये इसका जो प्रिंट की बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 170 रुपये की यहाँ पर MRP आपको देखने को मिलती है। और उसके बाद जस्ट इसके देख सकते हैं हीरो का ब्रेक शू, तो यहाँ पर हीरो भी एक अच्छी है फ्रेंड्स, और यहाँ पर देख सकती है जो इसका प्रिंट रेट है वो 140 रुपये की, मतलब इन तीनों में प्रिंट रेट आपको पता चल ही गया होगा कि कौन किसका कितना प्रिंट है। और उसके बाद अब मैं बताता हूँ फ्रेंड्स कि ब्रेक शू आपको अगर कभी लगाने का होगा तो किस ब्रेक शू को आप लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ब्रेक शू को ओपन करता हूँ और देखता हूँ किस में आपका क्वालिटी ज़्यादा नज़र आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले एरो का जो ब्रेक शू उसे ओपन करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि इसकी, तो ये एरो का ब्रेक शू हो गया आपका, और ये जो आस्के का हो गया है। अब इसे तो मैं ओपन नहीं करना चाहूँगा फ्रेंड्स क्योंकि ये सील पैक रहता है, उसके बाद ये बिक नहीं सकता। तो उसके बाद चलिए फ्रेंड्स इसकी कंपेयर करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो आस्के का ब्रेक शू है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो इन दोनों का लेता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स जो अगर चिकनाहट जिसमें ज़्यादा रहेगा वो ब्रेक शू कम चलता है, तो यहाँ मुझे देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ जो आस्के वाला और एरो का जो ब्रेक शू है और उसकी जो मोटाई और जो इसकी है वो दोनों सेम है फ्रेंड्स। यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा आस्के का कम है क्योंकि ये थोड़ा सा कम रहता है लेकिन चलता ये भी ज़्यादा, और इसका थोड़ा सा देख सकते हैं ये मोटा है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये दोनों ब्रेक शू को अगर आपको कहीं मिलता है तो अगर ज़्यादा रेट आपको ये पड़ता है तो आप आस्के भी लगा सकते हैं या एरो को भी लगा सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं है फ्रेंड। उसके बाद जस्ट अगर इस हीरो की बात किया जाए फ्रेंड्स तो इसका भी मोटा रहता है, आप देख सकते हैं ये आस्के इतना मोटा है, मतलब तीनों अगर
तीनों की बात किया जाए फ्रेंड्स तो तीनों इक्वल है। आप कहीं भी आपको अगर ब्रेकसू मिलता है तो आप तीनों को लगा सकते हैं, लेकिन बात ये रहा फ्रेंड्स कि अगर ये हीरो का आप लगाते हैं तो आपको हीरो कम में मिल जाता है आपको, क्योंकि इसका प्रिंट कम है तो ज़्यादा से मिस्त्री अगर लगाएगा तो 20 रुपया ही लेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं लेगा। लेकिन और क्या अपेक्षा, अगर आप हीरो भी लगा सकते हैं, एरो भी लगा सकते हैं, आस्के भी लगा सकते हैं, तीनों को भी लगा सकते हैं। अगर आपको कभी एरो मिल जाए तो आप कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप एरो भी लगा लीजिए और ये पीला डब्बा भी लगा सकते हैं। अगर आपको हीरो का मिले तो वो और बेटर रहेगा, आप हीरो का भी लगा सकते हैं। इसमें कोई भी नहीं फ्रेंड्स, आप कोई भी ब्रेक शू लगा सकते हैं, तीनों सेम ही है। और टिकाव की बात किया जाए तो एक बात और है कि कंपनी का चीज़ कंपनी रहता है। अगर आप हीरो का बाइक रखते हैं तो हीरो का ज़्यादा पसंद करते हैं तो हीरो भी लगा सकते हैं। और ऐसे आपको अगर हीरो नहीं मिलता है लोकल में तो आप एरो या इस कंपनी को भी लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।